रीवा महानगर बनने का सपना देख रहा है, लेकिन रीवा में जिस तरह से यातायात व्यवस्था और ठेला व्यापारियों व फुटपाथ में दुकान लगाने वालों के कारण अव्यवस्था देखी जाती है, ऐसे में लगता नहीं है कि रीवा कोई व्यवस्थित शहर है। अन्य बड़े शहरों में आप देखे होंगे कि विशेष बाजार किसी एक निश्चित स्थान पर लगती है, लेकिन आप रीवा में पाएंगे कि जिस भी मार्ग में चले जाएंगे हर मार्ग में सभी चीज़ें उपलब्ध रहती है ठेलों में। सही मार्गों पर ऑटो नहीं दिखते हैं, हर मार्ग में ऑटो दिख जाएंगे आपको, उनका कोई तय रूट नहीं है, सही मार्ग नहीं है, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चौपट रहती है। कहने को तो एक आध दो दिन पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन उसके बाद व्यवस्था जस के तस रहती है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले नगर निगम द्वारा साईं मंदिर के सामने ठेला लगाने वाले व्यापारियों को हटाया गया था और दोबारा भी ठेला हटाने के लिए कहा गया, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि वह सड़क के किनारे ठेला लगाते हैं, उनकी वजह से ट्रैफिक जाम नहीं होता है। वह नाले में पटिया रखकर ठेला लगाते हैं, वह लोन लेकर रखे हैं, यदि ठेला हटा दिया जाएगा तो उनका रोजगार छिन जाएगा और लोन कैसे चुकता करें। लेकिन शहर में हालात ये हैं कि मुख्य बाजारों में ऑटो और ठेले वालों के कारण रास्ते जाम रहते हैं, घंटों तक एम्बुलेंसें फंसी रहती हैं। अपनी मांगों को लेकर ठेला व्यापारी नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। नगर निगम को चाहिए कि इन व्यापारियों के लिए एक स्थान तय करे, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था और व्यापारियों का व्यापार भी चले। नगर निगम से हम लोग लोन लेके व्यापार कर रहे हैं, है ना, व्यापार जब हम लोगों का चले गए नहीं, ठेला ही नहीं लगाने को मिलेगा, लोन कहाँ से चुकाएंगे? माफ़ कर दे सर, लोन तो हम लोग न लगाएंगे ठेला, कुछ और कहीं चले जाएंगे मजदूरी करने। आ यहाँ पे जाम लग रहा, फोर व्हीलर वाले खड़ी करके चले जा रहे हैं, उनको कोई नहीं हटा रहा, हम लोग उनको आ रहे हैं, सब कोई हटा के चले जा रहे हैं, ठेला दिखता है बस, फोर व्हीलर खड़ी है रोड में वो नहीं दिखती है। और जाम आप 11 से 12 के बीच में आएंगे तो खन्ना चौराहा में आपको डेली मिलेगा, क्यों? जो स्कूल है वो क्या, कौन सी स्कूल है, क्या नाम है उसका, आदर्श स्कूल, जब छूटती है लगती है तो आप अभी देखिए वक्त हो गया है, जाके देखिए जाम लग गया होगा, वो उसकी वजह जाम लगती है, हटाया ठेला वालों को जा रहा बार बार। आप लोग तो साईं मंदिर साइड रहते हैं, तो साईं मंदिर साइड फल वाले रहते हैं, इधर हम लोग रहते हैं कपड़े वाले, फल वाले भाई लोगों को भी यही फोर व्हीलर खड़ी कर दिए वहाँ साईं मंदिर के सामने, हो गया जाम, तो फिर आप फिर ठेला वालों को हटाया जा रहा, फोर व्हीलर वालों को नहीं हटाया जा रहा। वसूली भी होती है आप लोग से नगर निगम, पर्ची की वसूली होती थी, इस समय बंद है अब, वो लेकिन वो 6 महीने का 1 साल का कार्ड बनता है, हम लोग 1200 रुपए दे के कार्ड बनवा के बैठे हैं, नगर निगम से ही बनता है कार्ड, उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है, हम लोग सब कुछ दे रहे हैं, साल भर में 1200 रुपए दिया जाता है इसी के लिए। उसमें लिखा गया है कि जहां अभी कोई आए नहीं, सुनने ही वाला नहीं, बोला किनारे फेंक दो बस ठेला, अभी हम लोग सब उठा के बीच में रखेंगे ठेला, अभी निगम के अंदर आप, अभी नगर निगम के अंदर हम लोग सब कोई आ गए, कहाँ जाएं आप, सब जगह से भगा रहे कि जाएं कहाँ, इसीलिए नगर निगम के अंदर आके बैठ गए आप। क्या नाम लिखते हैं? हमारा नाम नजीब खान है। ठीक है सर, क्या है कि हम लोग को 3 साल से ठेला वालों को घोरा चौराहा पास जो साईं मंदिर के सामने पट्टी है नालक पास लगाते हैं, और कपड़े वाले हैं नगर निगम के जस्ट बगल से साइड में लगाते हैं, तो अब हमको लोग को हटाया जा रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएं? बाल बच्चे क्या है, अब समस्या कुछ नहीं है सर, क्या हमारा निवेदन एक है कि जहाँ आप बोलें कि पटिया बिछा लीजिए, हम लोग पटिया बिछा के अपने बाल बच्चे को पाल रहे हैं, नाले के ऊपर लगाए हुए, वो भी रोड में नहीं आता, किसमें परेशानी हो रही है, केवल ऑटो वालों से और जो फोर व्हीलर वाले ले आके खड़ा कर देते हैं रोड पे, उनको बोलते हैं तो बोलते हैं कि आप लोग ठेला हटाइए, ये हटाइए, अब हम लोग उनसे बहसबाजी लोग कर नहीं पाते हैं, हम लोग बात कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग बेरोजगार वाले इंसान हैं,
अब ये बताइए अगर हमको हटा दिया जाएगा तो हमारे बाल बच्चे जो हैं माता हैं बूढ़े हैं, अब हम लोग कहाँ से बाल बच्चों को पाल पाएंगे, ये कहाँ से आदमी घर गृहस्थी चला पाएंगे। अभी कोई नहीं आया है। एक दफे हटाया गया, फिर बोला गया बाबा जी से बात किया गया अभी एक महीने पहले, तो बोले कि आप लगा लीजिए, दबा के लगाइए। हम लोग दबा के लगा रहे हैं, साईं मंदिर के पास है, ये फुटपाथ वाले भाइयों हमारे कपड़े वाले पट्टी के बगल में पट्टियों बिछा के सभी लोग रोजगार कर रहे हैं, दो पैसा कमा रहे हैं। जो जाम लग रहा है स्कूल की वजह से लग रहा है, ये जो ऑटो वाले इन पे क्या कार्रवाई नहीं की जाती है? अब सर ये ऑटो वालों को कार्रवाई नहीं बोले जाता, ना फोर व्हीलर वाले को बोले जाते हैं, फोर व्हीलर खड़ी करके चले जाते हैं। सुविधा नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा, संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।